गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर विचे शिमला ब्लॉगर दीप शिखा। तो देखिए, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था पतोड़े बनाना, किस तरह से वो बनाते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से पत्तों पर आप बेसन लगाते हैं, किस तरह से आप उसको लेयर बाय लेयर रखते हैं और किस तरह से आप उसको फोल्ड करते हैं। यहाँ तक मैंने कल आपको बताया था। और अब फोल्ड करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है, आप आगे की वीडियो में आप मेरा वो देखिएगा कि किस तरह से जब हम पत्ते फोल्ड करते हैं तो उसके बाद हमें टाइटली फोल्ड करने के बाद उसे क्या करना पड़ता है, उसके बाद देनी पड़ती है हमें स्टीम। और वो हम स्टीम कैसे देते हैं, किस तरह से हम उसे स्टीम में करते हैं, तो वो देखिए आगे आज। तो देखें और बने रहे मेरे व्लॉग में। देखिए, मेरे पास इडली बनाने वाला बर्तन है और इसमें मैं ये बनाऊंगी पतोड़े, और ये ढक्कन है, इसमें रखे जाएंगे। तो इसमें पहले पानी डाल देना मैगी का, 2 ग्लास के अप्रोक्स में पानी डलेगा। और इसके ऊपर ये जो इसका ये है, इसके ऊपर ये रखेंगे। और इसके ऊपर जो हमने पतोड़े बनाए हैं ये, यानी कि ये इसके अंदर हम रखेंगे। किस तरह से रखेंगे, जो बड़े हैं वो इस तरह से आ जाएंगे, जो पत्ते का हिस्सा खुलने वाला है वो नीचे को रखेंगे ताकि वो हिले ना। और ये रख देंगे हम सबसे ऊपर, थोड़ा सा पुश कर देंगे ताकि ढक्कन हमारा आसानी से बंद हो जाए। वैसे तो हो जाता है फिर भी। और ये लगाया हमने इसके ऊपर ढक्कन, फिक्स हो गया। और अब हम इसको रख देंगे गैस के ऊपर और ये फिर बन जाएंगे हमारे पतोड़े। ये हो गया है मेरा तैयार, इसको रखेंगे अब हम गैस के गैस, और गैस को हम लो फ्लेम में इसको पकने देंगे, क्योंकि ये भाप पे पकेंगे ना, तो लो फ्लेम में हमने इन्हें पकने देना है, लो में पकने देना है करीबन करीबन 20 मिनट। और ये हो जाएंगे हमारे पतोड़े तैयार। जब ये हो जाएंगे फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनेंगे। उबलने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास ये बनकर आएगा, इस तरह से ये बनेगा। अब मैं इसको फ्राई करना बताती हूँ कि कैसे इसको, या कई लोग तो इसको ऐसे भी कट करके खा जाते हैं, लेकिन जो है मैं इसको फ्राई करूँगी और फ्राई करके इसको कट करूँगी, पहले कट करूँगी सॉरी, फिर फ्राई करूँगी, फिर दिखाती, फिर उसके बाद आप कैसे भी इसे खा सकते हैं। से मैंने इनको कट कर लिया है, जितना खाना हो इसमें ये है कि आप उतना खा सकते हैं। मैंने सबसे छोटे वाला चुना है क्योंकि इतना ही खाया जाएगा अभी, तो इसे इस तरह से मैंने कट कर लिया है, आप देख रहे हैं आपके सामने है ये। अब मैं इसको तलूंगी, इसे डीप फ्राई नहीं करते हैं, इसे तवे के ऊपर या कोई भी नॉन स्टिक पैन हो या कुछ भी हो, लेकिन मैं अमूमन इसको तवे के ऊपर ही फ्राई करना पसंद करती हूँ। तवे के ऊपर सरसों का तेल डालेंगे, वो मैं बताती हूँ किस तरह से करते हैं। ये मैंने तवे पे तेल डाला हुआ है, अमूमन हम वेट करते हैं कि ये जो सरसों का तेल है ये जल जाए, मतलब इसमें से स्मोक की पॉइंट पर आए तो हम इसमें और चीज़ें डालें, लेकिन इसमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम साथ में ही ये जो हमने कट किए हैं, इस तरह से जो कट किए हैं, इसको हम जैसे आप टिक्की तलते हैं, आपने देखा ही होगा ना, उस तरह से हम इसको इसमें रख देते हैं फ्राई करने के लिए। अब इसमें हमने डालने हैं अपने सूखे मसाले। सूखे मसालों में सबसे पहले जाएगा थोड़ा सा जीरा, पाउडर नहीं होल जीरा, थोड़ी सी मेथी क्योंकि ये बाय होती है इनमें, और जब आप ये बनाएं तो इसके अंदर भी आपने हींग डालना ज़रूरी है, आधा चम्मच सूखा धनिया। ये सब पोर करना है ऊपर से, इसके अंदर तो हमने जब स्टफिंग बनाई थी सब कुछ डाला था ना बेसन में, लेकिन इसमें ये ऊपर से पोर करना है। और थोड़ी सी जितने आप मिर्च खाते हैं, जिस हिसाब से खाते हैं उस हिसाब से आपने इसमें मिर्च डालनी है। ये हमारे स्टाइल का है, मछली स्टाइल का है ये, सबका अपना अपना ढंग होता है, लेकिन ये मेरा तरीका है। कभी इस तरीके से भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह से
जब एक तरफ ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको पलट लीजिएगा। हमें स्लो ही रखनी है, इतनी स्लो, और इसको हमने इसी तरह से तलना है। जब ये एक तरफ हो जाएगी, पट्टी की सहायता से इसे पलट लीजिए। दूसरी तरफ भी हमें अच्छी लाजमी पकानी है अच्छी तरह से। अपना ये काम सभी अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो आज मैं बना रही हूँ तो मैं अपनी किस तरह से मैं इसको लास्ट में करती हूँ वो मैं आपको बताऊँ। हमारे यहाँ किस तरह से ये खाए जाते हैं, विशेषकर सावन में इन्हें खाया जाता है, बहुत होते भी सावन में है और खाया भी सावन में जाता है। हमारे यहाँ ये सर्वप्रथम जो है सावन में, जो हिमाचल से संबंधित होंगे, जो जिला कांगड़ा से संबंध रखते होंगे, वो बखूबी जानते हैं कि हमारे यहाँ जब खाया जाता है तो सबसे पहले खीर और पतौड़ा भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है, उसके बाद अपने घर में इसे हम खाते हैं। तो खीर पतौड़ा सब घरों की पसंद होती है। इस तरह से बनकर मेरे पतोड़े तैयार हैं। हमने भी एंजॉय किया, आप भी कीजिए। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।